हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बैरा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो बिगिनर एंगलर बोलो या नॉर्मल जो भी एंगलर्स हैं वो करते हैं, उसके ऊपर ही आज मैं बात करूंगा। एंड हम पांचों टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है गाइस कि वो अगर अवॉइड करेंगे आप तो आपकी जो फिशिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपसे रिक्वेस्ट है इसको स्किप ना करें क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप मिस कर देंगे तो आप ही उसको बाद में आपको समझेगा नहीं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे आ रहा है, इवन डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर आकर आप हमसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन एंड डाउट्स पूछ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ फिशिंग टैकल। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जो टैकल, मतलब फिशिंग में जो हम रॉड रील जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं फिशिंग टैकल। तो फिशिंग टैकल का सिलेक्शन करना कि कौन सा टैकल हम खरीदें वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप ये मत समझिए कि मैं वही पुरानी बातें आपको बता रहा हूँ जो बाकी वीडियोस में आपने देखा होगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप फिशिंग स्टार्ट करते हो, यू आर अ बिगिनर, तो आपको महंगे टैकल्स में इन्वेस्ट नहीं करने को सजेस्ट करूँगा मैं। कि आप अगर महंगे टैकल्स खरीदते हो, 4,000-5,000 रुपये का रॉड खरीदते हो, 10,000-12,000 का रील खरीदते हो, आपको उसको यूज़ करने नहीं आता है तो आप उसको डैमेज कर दोगे, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। अगर आपका मेहनत का पैसा है, बहुत मेहनत से आपने कमाया हुआ है तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो आप ऐसे टैकल्स खरीदें जो आपके लिए रीजनेबल हो, जो आपको ऐसे पैसे में मिले कि आप सीख सके फिशिंग, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको पता नहीं कैसे फिशिंग की जाती है। सो आप कोशिश करें कि 1500 से लेकर 1800 2000 तक के आप फिशिंग रॉड खरीदें। एंड अगर पॉसिबल हो, जैसे कि आप अभी मेरा डीकैथलॉन का मैंने विजिट किया था स्टोर का, वहाँ से आप जाके कॉम्बो पैकेट, कॉम्बो जो फिशिंग रॉड एंड रील होते हैं वो खरीदें, जो आपको 3000 रुपये में पूरा कॉम्बो आ जाए या 3,500-4,000 रुपये में आ जाए। सो ऐसे कॉम्बो आप खरीद कर आप फिशिंग का हॉबी स्टार्ट करें रादर देन इन्वेस्टिंग 4,000-5,000 रुपया उसके पीछे या 10,000 रुपया। सो फिशिंग टैकल का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिगिनर के लिए। अगर आप ऑलरेडी फिशिंग कर रहे हो, आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, आपने बेट फिशिंग किया हुआ है, तो आप महंगे टैकल्स में इन्वेस्ट करें। प्लस गाइज, जो हमारे एंगलर्स होते हैं जैसे, वो डायरेक्टली स्पिनिंग पे आना चाहते हैं, सो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग बेट फिशिंग पहले टारगेट करें। बेट फिशिंग के लिए आपको कोई टैकल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ना रॉड चाहिए ना रील चाहिए, उसमें हैंड लाइन आता है, वाइट कलर का आपको रोल आता है प्लास्टिक का, वो रोल में आप हैंड लाइन को, मोनोफिलामेंट की लाइन को लपेट कर उसमें हुक बांध कर चारा लगा कर आप बेट फिशिंग कर सकते हो। तो आपको महंगे टैकल्स को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले सीखना है कि जो मछलियाँ होती है बड़ी या मीडियम जो हाइट साइज़ की होती है उनके साथ में फ़ाइट कैसे करें, वो पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टैकल्स का सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सो गाइस, जो दूसरा टॉपिक है वो है बेट फिशिंग और स्पिनिंग। बेट फिशिंग और स्पिनिंग में कौन सा हम सिलेक्ट करें पहले? सो जो भी एंगलर सीखना चाह रहे हैं या अभी नए हैं और सीखकर थोड़ा अभी 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उनको, सो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि पहले आप बेट फिशिंग से आपका फ़िशिंग स्टार्ट करें। बेट फिशिंग में भी आपको पता होना चाहिए कि आप फ्रेश वाटर फिशिंग कर रहे हो, सॉल्ट वाटर फिशिंग कर रहे हो, तो उसमें कौन से टाइप की मछली आप टारगेट कर रहे हो, तो उसके क्या क्या चारा है, क्या क्या उसका टेक्निक है, उसको पहले स्टडी करें, ना कि आप डायरेक्टली यूट्यूब पर वीडियोज़ देख के जंप करें कि भाई मैं आज बहुत बड़ा मछली पकड़ने वाला हूँ। सो वो सब काम ना करें, आप एक लेवल से जाएँ, एक स्पीड में जाएँ, कोई भी चीज़ जंप करके बड़े लेवल पे जाने की कोशिश ना करें, उसमें आपको फेलियर मिलेगा और आप परेशान हो जाओगे और फिशिंग ही छोड़ दोगे। एंड अगर आप बेट फिशिंग ऑलरेडी कर चुके हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है आपको, आप मछलियों की जो एक्टिविटी होती है उसको समझते हो, सो मछलियों को टारगेट करना आप समझते हो, तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बेट फिशिंग को थोड़ा थोड़ा कम करें, बेट फिशिंग कंटिन्यूस नहीं करें। कोई ऐसे टाइम आता है, सीज़न आता है, जैसे रेनी सीज़न है, आपको पता है स्पिनिंग नहीं चलने वाली है, तो वहाँ पे बेट फिशिंग करें। आप बोर हो चुके हो कहीं स्पिनिंग करके, बैठ के आपको रिलैक्स करना है कोई जगह पे, तो वहाँ पे स्पिनिंग बेट फिशिंग करें। बट अगर आप कोर फिशिंग सीखना चाहते हो तो आप बेट को त्यागे, उसको छोड़ कर आप स्पिनिंग को पकड़े। स्पिनिंग में भी आपको सब टेक्निक्स आपको स्टडी करना है, इसके बारे में जानना है, मछलियों के बारे में जानना है, कौन सी स्पीसीज है, क्या टाइप है, उसके लिए क्या लूअर्स हमें यूज़ करने, कौन से टैकल यूज़ करने, रॉड रील वगैरह कैसे सिलेक्शन करने, वो सिलेक्शन करके एक आप सेटअप बनाएं। बहुत ज़्यादा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्पिनिंग के लिए आपको एक रॉड बनाना है, उसमें आप बेसिक स्पिनिंग स्टार्ट करें, छोटी मछलियों से लेकर थोड़ी मीडियम साइज़ की मछलियों को टारगेट करना चालू करें, स्नैपर, ग्रुपर,
जीटी छोटी छोटी ये सब उनका गेम खेलना चालू करें। जैसे ही आप उसमें थोड़ा एक्सपर्ट होने लगेंगे तब आप टारगेट करें डायरेक्ट बड़ी मछली को टारगेट करने का, जैसे बड़ा बैरामुंडी हो गया, बड़े जीटीज हो गए या डीप सी फिशिंग हो गया, सो उसके ऊपर जाए डायरेक्टली, आप जंप ना करें। नहीं तो क्या होगा गाइस कि बहुत लोग हमें फॉलो करते हैं, यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, उसको देख के उनको बड़ी मछली पकड़ने की खुजली जनरेट हो जाती है और उसमें वो लोग पकड़ नहीं पाते तो निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिशिंग ही छोड़ देते हैं गाइस, बोलते हैं यार ये फालतू चीज़ है। बट इट्स अ वेरी गुड हॉबी गाइज फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ एज वेल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट जंप ना करें, स्टेप वाइज जाए और स्पिनिंग और बेट में सिलेक्शन करें प्रॉपर। आप नए हो तो बेट से स्टार्ट करें, आप थोड़े सीख चुके हो बेट फिशिंग, अच्छे से जानते हो मछलियों का एक्टिविटी, उनको हैंडल करना, फाइट करना, तो आप स्पिनिंग पे आए तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि एक दिन का काम है नहीं गाइज, हमको लाइफ टाइम फिशिंग करना है, इट्स अ स्पोर्ट हमारे लिए। तो उसको ग्रेजुअली सीखें, जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते हैं, धीरे 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 बढ़ के हम ग्रेजुएट होते हैं, वैसे ही आप उसको सीखें आराम से, कोई घाई नहीं करें। सो अभी जो तीसरा मिस्टेक है गाइज एंग्लर्स का, वो है यूट्यूब एंगलिंग। आपने देखा होगा मेरे जैसे यूट्यूबर हैं, मैं तो छोटा यूट्यूबर हूँ, छोटा चैनल है मेरा, लेकिन आपने बड़े बड़े फॉरेनर्स के यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, वो साला कास्ट कर रहा है, वो फटाफट मछलियाँ निकाल रहा है, बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ रहा है, उठा के फेंक दे रहा है बाहर। आप सोचते हैं इतना ईजी है फिशिंग करना, आप वो सब वीडियोज़ देख के आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो, एनर्जी से भर जाते हो कि आप बोलते हो आज मैं रॉड लेके निकलूंगा, जहाँ फेंकूंगा वहाँ पे मुझे मछली पकड़ेगी और मैं निकालूंगा मछलियाँ। और रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। आप जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो गाइस, वो ऐसे वीडियोस होते हैं कि बहुत ही कम ऐसे वीडियोस है जहाँ पे कंटिन्यूस कास्ट करने पे मछलियाँ लग रही हैं, मोस्टली ये कट में वीडियोस होते हैं, एक मछली लगी उसको उसके आधे घंटे दो घंटे के बाद दूसरी मछली लगी, सो उसको कट मार मार के वीडियोस को बनाया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, हमको ऐसा लगता है कंटिन्यूस मछली लग रही है, सो इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है। सो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब को फॉलो करें, लोगों से टेक्निक सीखें, लेकिन उससे इतना इंस्पायर नहीं होएगा कि डायरेक्ट जंप करें कि भाई जैसे वो पकड़ रहा है फटाफट ऐसा हमको भी लगना चाहिए। इंडियन जो वाटर्स है, इंडियन जो फिशिंग गेम है, ये बहुत ही स्पॉइल हुआ है अभी, सो इसमें लोग मास किलिंग ज़्यादा करते हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास किलिंग ना करें, दो चार मछलियाँ पकड़ें, घर पर ले जाएँ, खुद खाएँ, दोस्तों को खिलाएँ। एंड अगर आपको कोई छोटा साइज़ का मछली लग गया है एंड आप नहीं चाहते उसको लेके जाना, उसको पकाना नहीं चाहते, तो छोटी मछलियों को मोस्टली रिलीज़ कर दिया करें गाइस, बड़ी भी रिलीज़ कर दिया करें अगर इसको एज ए स्पोर्ट लेते हो तो, नहीं तो आप छोटी मछलियों को तो ज़रूर रिलीज़ कर दिया करें। अभी जो चौथा इम्पोर्टेंट मिस्टेक है जो मोस्टली एंग्लर्स करते हैं, वो है इम्पेशेंट, मतलब उनको सब्र नहीं होता है। जब भी मैं एंग्लर्स को बोलता हूँ भाई सब्र करो, तो लोग बोलते हैं भाई सब्र तो हमको कब्र में होगा, सो उस हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम एंग्लर हैं, उसको एज ए स्पोर्ट ले रहे हैं, हम शिकारी हैं, शिकार को ट्रैक करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसके बाद उसको पकड़ते हैं, तो उसमें मज़ा है एक। बस लोग पीछे पड़ रहे थे भाई स्पॉट बता दे, ये बता दे कहाँ जा रहा है तू, वो बता दे एग्जैक्ट स्पॉट बता दे, टाइम बता दे, मैं भी जाके तरीके से वहाँ से मछलियाँ उठा के पटक के रख दूँगा बाहर, वो सब चीज़ें ना करें। आप अपना स्टडी करें, अपना एक्सप्लोरेशन करें, अपना गेम सीखें, लोगों से बातें करें, लोगों से सीखें टेक्निक्स। सो उसी तरह से ये जो इम्पॉर्टेंट है पेशेंस का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपको पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे। और बेट फिशिंग जो करता है उसमें तो सब्र की बहुत ज़रूरत होती है गाइस, आप चारा डाल के बैठे हो, मछली आएगी, खाएगी, फंसेगी, तब आपको मिलेगी। तो लोगों को पेशेंस नहीं होने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिशिंग छोड़ देते हैं, फिर बाद में गालियाँ देते हैं, अरे बहुत बकवास गेम है, जिसको बोलते हैं लोग झक मारना। आपको पता होगा झक मारना क्या होता है, फिशिंग को ही सेकेंड नाम देते हैं लोग झक मारना। जिसको पता नहीं है उसका इम्पोर्टेंस, वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो इसको जानता है, इट्स बेटर देन मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करते हो उससे अच्छा आप फिशिंग करो, आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों भी अच्छी रहेगी, शांत रहोगे आप। आप पूरे हफ्ते फिशिंग का अपना ऑफिस का टेंशन लेके बैठते हो, एक दिन फिशिंग करने आते हो ऐसा लगता पूरा स्ट्रेस निकल गया, आप अगले हफ्ते के लिए एकदम फ्रेश रहते हो। भले आप थक के घर पर जाते हो फिशिंग करके, तो भी सुबह उठ के जब ऑफिस जाते हो तो आप फ्रेश फील करते हो। और जिस हफ्ते में आप फिशिंग नहीं करते हो, उस हफ्ते में आपने नोटिस किया होगा कि आप सुबह मंडे के दिन ऑफिस जाते हो तो आपको ऐसा लगता है अरे यार कुछ तो मिस हो रहा है। तो अगर आपको साथ भी ऐसा हुआ है तो आप नीचे कमेंट करें, हमें बताएं, सो दैट हमको ऐसा लगे कि हम जो सोच रहे हैं हमारा थिंकिंग सही है, हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, कि हमारे साथ जो हो रहा है वही बाकियों के साथ भी होता है। सो पाँचवा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है गाइज, वो है सेफ्टी। जितने भी बिगिनर एंगलर बोलो, जो सीख रहे हैं एक साल दो साल हो गया है, वो लोग सेफ्टी को बहुत नज़रअंदाज करते हैं। ये जो नया खून होता है, नया जो एनर्जी होती है नए बंदों के आज के टाइम पे जो एंगलर्स है,
वो लोग को ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हो सकता है, हमारे साथ कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं हो सकता है। एंड वो रॉक्स पे चलते हैं, रिस्क लेते हैं, उनका लूअर 200-250 रुपए का लूअर उनका अटक गया रॉक्स कहीं रॉक्स में नीचे, तो उसको निकालने के लिए नीचे जाते हैं। आपको बता दूं गाइस कि मेरे फ्रेंड को की डेथ मेरे सामने हुई थी, नॉट फ्रेंड बट एंगलर, अभी सभी एंगलर हमारे दोस्त है, वो एंगलर ही था बेचारा। वो दो तीन लड़कियाँ स्लिप होकर गिर गई थी, उनको रेस्क्यू करने के लिए गया हो, बैंड्रा का स्टोरी है, बैंड्रा फोर्ट का, दो लड़कियों को उसने रेस्क्यू किया, निकाल लिया उसमें से, लेकिन तीसरी लड़की को लेने के लिए जब वो नीचे गया पानी में, तो उसका खुद का पैर, आपको पता नहीं है नीचे रॉक्स होते हैं, रॉक्स में बहुत पॉइंटेड रॉक्स होते हैं जिसमें हमारा पैंट या कोई भी टी शर्ट वगैरह कुछ अटक सकता है, जिससे हम वहाँ से ऊपर नहीं आ पाते हैं, कितने भी बड़े आप स्विमर होने दो। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि 200-250-300-500 के लूअर के लिए आप अपने लाइफ को रिस्क नहीं दें और पानी में नहीं घुसें। मोस्टली जो हमारे सर एंगलर दोस्त लोग हैं जो सर्फ फिशिंग करते हैं, बीच के ऊपर बेट फिशिंग करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कास्टिंग करने के लिए जो पानी में घुसते हैं उसमें ज़रा ध्यान दे कि पैर के हर एक कदम पे ध्यान दे, क्योंकि जो स्टिंगरे फिश होती है वो रेत में बैठी होती है फ्लैट एकदम, उसका जो स्टिंग होता है, उसका जो टेल होता है उसमें कांटा होता है, और कांटा आरी की तरह होता है उल्टा साइड में, वो तो बेचारी अपना सेल्फ प्रोटेक्शन में आपको कांटा मारती है, लेकिन अगर बड़ी साइज रहेगी 10-15 किलो 20 किलो की साइज़ की या 40-50 किलो की, तो उसका कांटा आपके पैर में घुसेगा और रिटर्न नहीं आएगा वापस, तो आप उसको निकाल नहीं पाओगे, वो बेचारी भागेगी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके साथ में आपको घसीट के लेके जा सकती है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेफ्टी का ध्यान रखना, हेड टॉर्च जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट है, मेरा वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं चैनल पे, आप लोग जाएं, प्लेलिस्ट है सबका, ट्यूटोरियल्स का सबका, वहाँ पे जाके आप देखिए कितनी मैंने सेफ्टी की बातें की है, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेड टॉर्च हो गया, गाफ हो गया, लिप ग्रिप हो गया, प्लायर्स हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी बड़ी जीटी हम लैंड करते हैं, हाथ से हुक निकालने की कोशिश करते हैं, जीटी फड़फड़ाती है, बैराकुडा फड़फड़ाता है, तो उसका बड़ा बड़ा हुक हमारे ट्रबल हुक हमारे हाथ में लग जाता है। अगर वो बड़े जो हुक होते हैं ट्रबल हुक इतने स्ट्रांग होते हैं, अगर आपके किसी नर्व्स में लग गए, मांस में लगा हुआ तो मांस आपको फटेगा, लेकिन किसी नर्व्स में नस में लग गए और नस के साथ में वो खींच लिया, तो आपकी बहुत सारा ब्लीडिंग हो सकता है आपको। और आप ऐसे लोकेशन में फिशिंग करो जो बहुत दूर है किनारे से, तो आप हॉस्पिटल में भी नहीं पहुँच पाओगे, इसलिए उसका ध्यान रखेगा। और प्लायर यूज़ किया करें आप हुक को रिमूव करने के लिए मछली के मुँह से। अभी जो छठा और लास्ट पॉइंट है गाइस, वो है लैंडिंग फिश बाय रील। आपने नोटिस किया होगा कि जितने एंगलर्स होते हैं बेचारे सीख रहे हैं या थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो जो मछली को हुकअप कर लेते हैं तो इतने इंपेशेंट होते हैं कि बस उसको खींच के कैसा भी बाहर लाते हैं, वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि वो कैसा लैंड कर रहे हैं मछली को। क्योंकि मछली को आपको हुकअप हो गई, उसके साथ आपने फ़ाइट नहीं किया, तो फिर आपने गेम क्या खेला, क्या इन्जॉय किया आपने? तो आपको मछली के साथ फाइट करना चाहिए उसको, इट्स एन आर्ट। जैसे आपको पता होगा मेरा चैनल का नाम है बैरा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग, फिशिंग करने की कला। सो आपको वो आर्ट मालूम होना चाहिए, फाइट करना ही तो फन होता है फिशिंग में, लोग फाइट नहीं करते प्रॉपरली, उसको थका के आराम से लाते नहीं है किनारे पे, बस उसको रील से रॉड से घसीट के उसको बाहर निकाल देते हैं। सो आपको ध्यान देना है कि जब आप लैंड कर रहे हो मछली को, मैंने देखा है फिश हुकअप हो गई, लोग रील को घुमाते रहते, रील बिचार मछली अगर बड़ी होगी तो नहीं आती है, और रील का हैंडल घूमता है जब भी, तो अंदर गियर होता है एक मेन गियर, उसका मेन गियर घूमता है रील के हैंडल घुमाने पे, और गियर अगर मछली बड़ी है तो गियर मिस हो सकता है, तो इसमें लोग ब्लेम करते हैं कंपनी को। मैं आपको फोटो शेयर करता हूँ आपके साथ, में अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है मेरे ही दोस्त के साथ, वो अगर आप रील को रील से लैंड करने की कोशिश करोगे मछली को, तो आपका गियर मिस हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप रॉड से उसको फाइट करें, रॉड इज़ मेंट फॉर फाइटिंग फिश नॉट लिफ्टिंग फिश, तो रॉड के साथ में आप फाइट करें उसको, रॉड से घसीटे नज़दीक फिर रील करें, फिर घसीटे नज़दीक रील करें, इस तरह से फाइट किया जाता है मछली के साथ। तो आप इन सब वीडियो से काफ़ी नॉलेज लें, उसी तरह से आपको फिशिंग को फॉलो करें, फिशिंग जो गेम है उसको, तब आप एंजॉय करेंगे गाइस। आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी एंड आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा गाइस। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना एंड नीचे कमेंट में जाके आपके सजेशन हमें देना, एंड अगर आपके कोई डाउट और क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे आकर हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सो आप लोग वहाँ पर जाएँ, हमें फॉलो करें एंड हमसे बात करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइस, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ हमारे मिल सके, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल आइकन होता है उसको दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू सो मच गाइस, जो आप लोगों ने अभी तक हमें प्यार एंड सपोर्ट दिया है उसी तरह से आगे देते रहें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, नीचे दो वीडियो आ रहे हैं, ये जो नीचे लेफ्ट एंड राइट में, इसमें एक फिशिंग ट्यूटोरियल है, तो फिशिंग ट्यूटोरियल को जरूर देखें, मैंने 30 वीडियो के आसपास बनाए हुए उसमें, तो वो जाके सभी वीडियोज़ को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय योर लाइफ टाइट लाइंस।